वेलकम बैक टू इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कशन और आज का टॉपिक है इंडक्शन मोटर तो चलो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं केज इंडक्शन इंडक्शन मोटर मोटर और ये दो टाइप का इंडक्शन मोटर होता है और आज का क्वेश्चन है कौन सा मोटर क्रेन एंड एलिवेटर में यूज करने के लिए सुटेबल है और उसके पीछे रीजन क्या है जब तुम लोग जॉब इंटरव्यू फेस करोगे तो देखोगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ही होता है अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से ज्यादा जरूरी है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानना क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी थोड़ी ना है तो चलो पहले समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्रेन्स एंड एलिवेटर में कौन सा मोटर यूज करना चाहिए तो तुमको पहले समझना पड़ेगा ये क्रेन्स एंड एलिवेटर में स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या होता है सो क्रेन्स एंड लिफ्ट में देखोगे हेवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है सो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उस केस में ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कौन सा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो सकता है सो so, पहले सोचो स्टार्टिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है टॉर्क डिपेंड करता है रोटर रेजिस्टेंस पे इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उतना ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है सो so, अब तुमको कंसिडर करना है ये दो टाइप का मोटर में किसमें रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो चलो अब चलते हैं पहले दो टाइप का मोटर का ही रोटर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं स्कूरल के जी इंडक्शन मोटर में रोटर्स बार ऐसे दो साइड में शॉर्ट सर्किटेड किया हुआ रहता है और स्कूल के इंडक्शन मोटर के रोटर में जो बार यूज होता है वो बहुत मोटा मोटा बार यूज होता है और ये तो हम लोगों को पता ही है मोटा बार होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है तो ओवरऑल इसका जो इकोवलेंट रोटर का रेजिस्टेंस होगा वो देखा जाता है बहुत कम वैल्यू आता है लेकिन स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के, के केस में देखोगे ये जो ये साइड है ये शॉर्ट सर्किटेड रहता है लेकिन ये दूसरा साइड में स्लिप रिंग के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये स्लिप रिंग के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का रीजन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए ही है एक्चुअली देखो जब हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रोटर में आई स्क्वायर आर्ट लॉस तो बढ़ेगा लेकिन फिर भी हम लोग इंटेंशनली रोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा रहे हैं सो दैट हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिले स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर में जब मोटर स्टार्ट हो जाता है और उसका स्पीड रेटेड स्पीड के पास पहुंच जाता है तब स्लिपरिंग एंड से ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हट जाता है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है तो टोटल रोटर रेजिस्टेंस घट गया जब मोटर फुल स्पीड अटेंड कर लिया तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड के लिए ही कनेक्टेड रहेगा तो हम लोग देखें स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं सो so इसीलिए स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर नॉर्मली जहाँ पे हाई टॉर्क डिमांड है स्टार्टिंग पीरियड में देट मींस हाई स्टार्टिंग टोर का रिक्वायरमेंट है वहां पर स्लीपरिंग इंडक्शन मोटर हम लोग यूज करते हैं सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट हैज बिन क्लियर अगर अभी भी तुम लोग के मन में कुछ डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो नेक्स्टली इफ यू हैव टाइम तुम ये वीडियो देख सकते हो दिस इज ए वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कशन और इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली टॉप पी एच यू या आई आई टी इंटरव्यू में तुमको पूछा जा सकता है सो देट सॉल्व फॉर टूडे थैंक यू